हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो को पूरी तरह देखना एंड अच्छा लगे तो वहाँ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। दोस्तों, आज हम बात करेंगे SBI डेबिट कार्ड और ATM कार्ड की डिलीवरी स्टेटस को कैसे ट्रैक करते हैं। दोस्तों, अगर आपने SBI की न्यू डेबिट कार्ड अप्लाई किया है तो आप इजीली घर बैठे पता कर सकते हैं अभी डेबिट कार्ड कहाँ तक पहुँचा है एंड आपको पता चल जाएगा ये कब तक डिलीवरी होगा। SBI ATM कार्ड को हम तीन तरीके से ट्रैक कर सकते हैं। पहला तरीका है योनो लाइट SBI, दूसरा तरीका है इंडिया पोस्ट एंड तीसरा तरीका है SBI नेट बैंकिंग। दोस्तों, SBI ATM कार्ड और डेबिट कार्ड को ऑनलाइन अप्लाई करो या ऑफलाइन करो, इन तीन तरीके से हम उसकी डिलीवरी स्टेटस को चेक कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं पहला तरीका योनो लाइट SBI। दोस्तों, हम योनो SBI में डेबिट कार्ड को ट्रैक नहीं कर सकते, बट योनो लाइट SBI के थ्रू डेबिट कार्ड और ATM कार्ड की स्टेटस को चेक कर सकते हैं। पहले योनो लाइट SBI आपको ओपन करें। दोस्तों, योनो SBI में जो यूजर आईडी पासवर्ड देके लॉगिन किया है उसी यूजर आईडी पासवर्ड देके योनो लाइट SBI में भी लॉगिन कर लीजिए, क्योंकि योनो SBI यानी योनो लाइट SBI करीब दोनों सेम ही हैं। आप ओपन होने के बाद होम स्क्रीन में मैनेज कार्ड का एक ऑप्शन है, उस पर क्लिक करें। देन यहाँ पे डेबिट कार्ड रिलेटेड सारी सर्विस आपको मिल जाएगा। नीचे डेबिट कार्ड एक्सपेंस ट्रैकिंग का एक ऑप्शन है, उस पर क्लिक करें। देन अकाउंट नंबर को सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद ईयर एंड मंथ को सिलेक्ट कीजिए। आप जो मंथ एंड ईयर पे डेबिट कार्ड और ATM कार्ड को अप्लाई किया था उसी मंथ एंड ईयर को सिलेक्ट करें। देन सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, उसके बाद डेबिट कार्ड का डिलीवरी स्टेटस आ जाएगा। तो दोस्तों, ये रहा पहला तरीका, यानी योनो लाइट SBI में आप इस तरह डेबिट कार्ड और ATM कार्ड के स्टेटस को चेक कर सकते हैं। उसके बाद है इंडिया पोस्ट ट्रैक कंसाइनमेंट। इंडिया पोस्ट ट्रैक एक बेस्ट तरीका है ATM का स्टेटस को चेक करने के लिए। जब आप ATM कार्ड अप्लाई करते हो तब से 2 या 3 दिन के बाद इंडिया पोस्ट की तरफ से एक ट्रैकिंग मैसेज आता है, क्योंकि ATM और डेबिट कार्ड स्पीड पोस्ट के जरिए डिलीवरी होता है। ये मैसेज बैंक रजिस्टर मोबाइल नंबर पर आएगा, या आप ATM अप्लाई करते टाइम आप जो मोबाइल नंबर दिया था उसी मोबाइल नंबर पर यह ट्रैकिंग मैसेज आएगा। इस मैसेज में स्पीड पोस्ट का एक ट्रैकिंग नंबर लिखा होगा, इसी नंबर के जरिए हम ATM कार्ड और डेबिट कार्ड की डिलीवरी स्टेटस और लोकेशन को चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहले इंडिया पोस्ट की ट्रैकिंग साइट में जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे कंसाइनमेंट नंबर दीजिए, यानी जो ट्रैकिंग नंबर SMS में आया था उसी नंबर को दीजिए। देन कैप्चा को फिलअप कीजिए एंड सर्च ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद डेबिट कार्ड स्टेटस आ जाएगा। डेबिट कार्ड कहाँ तक पहुँचा है आप यहाँ से चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, ये मेथड बहुत आसान है डेबिट कार्ड और ATM कार्ड को ट्रैक करने के लिए। यहाँ से आपको इजीली पता चल जाएगा आपका डेबिट कार्ड अभी तक कहाँ पहुँचा है। अगर इंडिया पोस्ट की तरफ से कोई भी ट्रैकिंग SMS नहीं आया तो आप यहाँ से चेक नहीं कर सकते। इसके अलावा SBI नेट बैंकिंग में भी आप अपने डेबिट कार्ड स्टेटस को चेक कर सकते हैं। दोस्तों, पहले SBI नेट बैंकिंग अकाउंट को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद होम स्क्रीन के ऊपर ई सर्विस का एक ऑप्शन है, उस पर क्लिक करें। देन ई सर्विस में ATM कार्ड सर्विस का एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद ATM कार्ड रिलेटेड सारी सर्विस आपको मिल जाएगा। यहाँ पे रिक्वेस्ट ATM और डेबिट कार्ड का एक ऑप्शन है, उस पर क्लिक करें। अभी यहाँ पे दो टैब ओपन हो गया है, अप्लाई एंड इंक्वायरी। तो आप इंक्वायरी ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे अकाउंट नंबर एंड मंथ को सिलेक्ट करें। जो मंथ में आप ATM कार्ड को अप्लाई किया था उसी मंथ को सिलेक्ट करें एंड सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद डेबिट कार्ड का स्टेटस आ जाएगा। तो दोस्तों, इन तीन तरीके से SBI ATM कार्ड और डेबिट कार्ड को ट्रैक कर सकते हैं। अगर डिलीवरी टाइम की बात करें तो SBI ATM कार्ड स्पीड पोस्ट के जरिए 10 दिन में डिलीवरी हो जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट पे बताइए एंड अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।